जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तारा जल्दी से बाहर आओ, मैं लंच बॉक्स लाई हूँ। तारा आओ ना। तारा, कितनी बार मना किया आपको कि ऐसे नहीं करते हैं, और ये स्कूल का बैग है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने भी बोला मुझे स्कूल नहीं जाना। कितनी बार बोला तारा कि बुक्स के साथ ऐसे नहीं करते। सरस्वती माँ का वास होता है इनमें, इनका अपमान नहीं करते हैं तारा। अच्छा जी, तो अगर स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होके इंटेलिजेंट कैसे बनोगे? हाँ, फ्रेंड्स कैसे बनाओगे? मुझे नहीं बनाने दोस्त। इधर आओ। स्कूल तो जाना पड़ेगा, फिर चाहे आप प्यार से जाओ या गुस्से से। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना मुझे स्कूल नहीं जाना। तारा आप डांट खाओगे आप। कोई कुछ नहीं कहेगा हमारी तारा को, कोई नहीं डांटेगा मेरी लाडली को। ऐसे बच्चे बड़े किए जाते हैं, बच्चों को मनाने का एक तरीका होता है। कैसा तरीका मासा? आहा। चाहिए, लेकिन उसके लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। जब तुम स्कूल से वापस आओगी ना, तो फिर तुम्हें इसका पूरा पैकेट मिलेगा। स्कूल जाओगी ना? ये लो। मासा, ये सही तरीका कैसे हुआ? इन्हें सही गलत सिखाना हमारा फर्ज है, और ऐसे लालच देके तो हर बार बिगड़ जाएंगी। तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है, मैंने तीन तीन बच्चे पाले हैं, तो तुम मुझे बताओगी बच्चे कैसे पाले जाते हैं? हाँ, याद रखो, बचपना बचपन में ही किया जाता है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम जल्दी से जाओगी और अपनी स्कूल ड्रेस पहन के तैयार हो जाओगी। हाँ मंजू, लाओ यहां को, ये लो और जाओ। हाँ जाओ। देखा, सच में भाभी तारा कितनी अलग है आपसे। उसे आप पर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी तो आपसे एक चीज भी नहीं मिलती। क्या हुआ भाभी? मासा की बात को दिल से मत लगाना। अरे नहीं मंजू, मासा सही कह रही थी, बच्चे ही तो बचपना करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी उम्र में उनको सही संस्कार देना भी हमारा फर्ज है। एक बात पूछूं भाभी, सही सही बताइएगा, कैसे किया आपने ये सब? एक टाइम था जब मासा को तारा फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया का प्यार लुटाती है उस पर। बड़ों की अपनी एक सोच होती है, उस सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं। और तुम यहाँ पे सिर्फ एक माँ ही नहीं हो, एक बहू भी हो। अब उन दोनों में बैलेंस कैसे करना है तुम्हें देखना है। राजीव का हुक्म था, और वैसे भी बात जब बेटी पर आती है तो माँ को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ता है। तो बस ये रास्ता मैंने निकाला है, मासा के हृदय परिवर्तन का। सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही शुभ योग है, बड़ी भाग्यशाली है ये कन्या, खासकर दादी के लिए। बहुत ही निराले ग्रह है इसके, ऐसा लगता है इसका जन्म दादी का भला करने के लिए ही हुआ है। राजयोग है इसका, जो इसकी दादी को फलेगा,
ये जितनी पूजा पाठ और प्रार्थना करेगी उतनी ही बीमारियां दूर रहेंगी इसकी दादी से। आपके बुढ़ापे की लक्ष्मी और संजीवनी है ये कन्या, आपके तन मन धन तीनों के लिए वरदान है ये। पंडित जी, आप ठीक से तो देख रहे हैं ये कुंडली? जी, जो लिखा है वही पढ़ा है, सब कुछ सामने है। आप चाहें तो किसी और पंडित जी को दिखा लें। बहू, लाओ इसे हमें दो, हमें भी तो अपनी पोती का सुख मिलना चाहिए। लाओ। ऐसे क्या देख रही हूं? तुम्हारी बेटी है लेकिन हमारी भी पोती है और वो भी इकलौती है, तो रोज मेरे साथ खेलेगी। ये सुना तूने? तुम मेरे लिए आई है अपनी दादी की संजीवनी लक्ष्मी। कितनी शुभ है मेरी पोती। सॉरी पंडित जी, आपको झूठ बोलने के लिए कहा। ये वैसे बच्ची के जन्म का समय तो सही है ना? जी, जन्म के समय उन्होंने टाइम लिख दिया था। तो फिर मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, मैंने वही कहा जो इस कुंडली में लिखा है। आपके घर परिवार का भाग्य उदय करेगी इस कुंडली वाली कन्या। एक दिन सबको करना पड़ता है। डर मत चंदा, काट दे इसकी मुंडी, काट दे। देख के रहिए, मुर्गा से मानुष को नहीं काटते। काट डाल, एक झटके में काट डाल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।